हेलो बच्चों, माध्य बहुलक हमने निकाल लिया था। अब हम माध्यक के बारे में जानना चाहते हैं। तो माध्यक की बेसिक चीज तो मैंने बता दी थी, लेकिन क्योंकि हम ये दोबारा से माध्यक शुरू कर रहे हैं, तो हमें जो बेसिक चीज थी उसके दोबारा हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैंने क्या एक उदाहरण लिया हुआ है, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। एक स्कूल में बच्चों की उम्र दी हुई है, बच्चों की उम्र दी हुई है, किसी की 6 साल, 8 साल, 9 साल, 11, 7, 5, 6, 9, 8, 7, 6, 15, 16, ये बच्चों की उम्र दी गई है। अगर हमसे कहा जाए कि इन बच्चों की उम्र का माध्यक निकालिए, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मीडियन निकालिए, तो उस कंडीशन में हम ये भी कह सकते हैं कि ये आंकड़े हमारे कैसे हैं बच्चों, अवर्गीकृत हैं, यानी वर्गों में बटे हुए नहीं है, लाइन से लिखे हुए। तो माध्यक होता है बेसिकली मध्य पद का मान। क्या होता है? मध्य पद का मान। तो हमें जैसा दिखाई दे रहा है, तो हमने ये पूरे आंकड़े ले रखे 13, तो 13 में से 6 इधर चले गए, 6 इधर चले गए, ये बीच में बचा 13वां, तो ये हमारे लिए माध्यक होना चाहिए। लेकिन माध्यक निकालने के लिए हमको हमेशा अवर्गीकृत आंकड़े अगर हैं तो उनको हमें सीक्वेंस में यानी क्रमबद्ध तरीके से लिखना पड़ता है। तो इन्हीं आंकड़ों को मैंने दोबारा जो है क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है। क्रमबद्ध में क्या करेंगे हम लोग, जो सबसे छोटी संख्या है, जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 ले लिया, फिर 6 देखा 1, 2, 3 बार 6 है तो 3 बार 6 ले लिया, फिर 7 देखा 2 बार है 7 ले लिया, फिर 8 2 बार है, 9 2 बार है, 11, 15, 16 ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जो काम हमने पहले किया था वही काम अब दोबारा करेंगे। इसको 6 टुकड़े तो ये ले लिया आपने, ठीक है, और 6 टुकड़े आपने ये ले लिए, तो कौन बचता है यहाँ पे, 7वां कौन बचता है, जो 13वां कहलाएगा वो बचता है 8। तो इसका जो सही माध्यक है वो माध्यक जो होगा वो होगा 8। इन आंकड़ों का सही माध्यक होगा 8। ये है हमारे अवर्गीकृत आंकड़ों की बात। अब हम क्या करते हैं, आगे इसी चैप्टर को आगे करते हैं और अपने आंकड़ों को अभी अवर्गीकृत है धीरे वर्गीकृत करके और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने आंकड़े लिए 13, हो सकता है 13 आंकड़े ना होकर कितने हो जाए, 10 हो जाए। तो 10 में आपके साथ क्या समस्या आएगी कि मध्य वाला कौन सा होगा, तो आइए इसको सीखते हैं आगे, ठीक है। पुस्तक के अनुसार जो माध्यक की परिभाषा उसमें बात भी कर लेते हैं। देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, तो पहले अभी हमने उदाहरण क्या बताया, अवर्गीकृत का बताया, तो इसमें कुछ बातें लिखी हैं। जैसा कि आपने 9 कक्षा 9 में पढ़ लिया था, जो माध्यक होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की ऐसी मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देता है। याद कीजिए, अवर्गीकृत आंकड़ों को ज्ञात करने के लिए पहले हम प्रेक्षण के मानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अब आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया, अब यहां बात आ गई यदि n विषम है, इसका मतलब क्या है, जो हमें संख्याएं थी कितनी थी, 13 थी ना, तो हम क्या करते हैं n+1/2, इसका मतलब क्या है, आप मैं यहां बताता हूं, हमारे कितने पद थे बच्चों, 13 थे, 13 n का मतलब 13 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 7। तो हम कौन सा पद ले रहे थे बच्चों, 7वां ले रहे थे, ये देखिए 7वां ले रहे थे ना, 7वां वाला, ठीक है। अब लेकिन वो बोलता है कि अगर ये जो हमारे पद हैं ये कैसे हो जाए, सम हो जाए, अगर पद कैसे हो जाए बच्चों, सम हो जाए, तो उस कंडीशन में, सम होने की कंडीशन में माध्यक जो होता है n/2 में प्लस n/2+1 वे प्रेक्षणों के मानों का औसत। अब इसको समझ लीजिए बच्चों, ये कह रहा है कि अगर आपके जो पूरे आंकड़े हैं उनकी संख्या सम है, जैसे मैं बात कर रहा था अभी हमने 13 के लिए लिया था, हम इसको 14 के लिए लेके देखते हैं। तो अगर हम 14 के लिए लेंगे तो पहले तो हम 14/2 करेंगे, क्यों, n/2 कितना हो जाएगा, 14/2 प्लस n/2 यानी 14/2 प्लस 1। अब हम इसको हल करते हैं, तो देखिए यहां कितना आता है, 14/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस 14/2 का मतलब 7+1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां है 7 और यहां है 7+1, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 7+8 हो जाएगा, और वो कहता है इसका क्या निकाल लो, औसत मान, तो इसको बटे का कर दो, 2 कर दीजिए, तो बटे 2 करेंगे, 7 और 8 15, 15/2 यानी 15/2, तो देखिए आपका क्या आया, 7/5 आया। लेकिन ये चीज क्या है, वे
वे, तो ये जो आया सेवन वे प्लस एट वे पद का मान का जोड़ क्या हुआ, सातवें और आठवें पद के मान का जोड़, और जो आए उसको दो से भाग दे दीजिए। तो इस उदाहरण में देखते हैं हम लोग कैसे होता है। देखिए तो अगर मैं ये कहूं कि अभी हमने यहां तेरह की जगह कितना ले लिया, चौदह ले लिया, कितना ले लिया, चौदह ले लिया, तो इसके उदाहरण के लिए हमने चौदह पद ले लिए, और ये चौदह जो पद लिए हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, क्रम से करना पड़ेगा। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, तीन है, उसके बाद चार कितने बार है, एक बार है, पांच देखिए कितने बार है, दो बार है, फिर छह कितने बार है, एक दो तीन, तीन बार है छह, फिर आ गया आपका सात, फिर आठ आपका दो बार है, ठीक है, और उसके बाद नौ तीन बार है, और दस, तो ये कुल कितने मान है बच्चों, चौदह मान है। अब हमें निकालना है, चौदह का आधा तो कुछ होता नहीं, तो उन्होंने बोला क्या है सूत्र, एन बाई टू वे पद का मान। अब n बाई टू, एन का है चौदह, तो चौदह बटे दो यानी क्या हो गया सातवें, तो सातवें आया एक दो तीन चार पांच छह सात, ये वाला, तो इसका मान कितना आ गया बच्चों, छह आ गया, एक मान तो ये आया आपका, ठीक है। दूसरा वो कहता है फॉर्मूले में क्या कहता है, देखो फिर दिखा देते हैं फॉर्मूले क्या कहता है, फॉर्मूले में ये कहता है एन बाई टू में और एन प्लस टू बाई वन में, तो अभी हमने पीछे कौन सा निकाला उदाहरण में, हमने n बाई टू में तो निकाल दिया, अब n बाई टू प्लस वन में को निकालना है, तो n बाई टू प्लस वन में को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n प्लस टू प्लस वन, n बाई टू प्लस वन, तो n हमारा चौदह ही रहेगा, यानी कि चौदह बाई टू प्लस वन हो जाएगा, तो दो से काटेंगे तो सात आ जाएगा, सात और एक आठ, यानी इस बार आएगा आठवें पद का मान, ठीक है, तो आठवां पद हमारा कौन सा है, सात है, तो यहां पे लिखेंगे सात। वो कहता है इन दोनों का औसत निकालो, तो आपको पता औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए और दो से भाग दीजिए, तो छह और सात तेरह, छह और सात तेरह, तेरह बटे दो, तो तेरह बटे दो कितना होगा बच्चों, तेरह बटे दो बराबर कितना हो जाएगा 6.5। तो इसका जो माध्यक निकला हमारा कितना निकला 6.5, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और अगर हम कहें ये आंसर सम संख्याओं में कहां है, देखो 6 और 7 के बीच में, हमेशा ध्यान रखिएगा जो माध्यक आपका आएगा इन पदों में जो दो बीच वाले पद है उनके बीच में कहीं ये मान आएगा, जब आप सवाल करेंगे तो भी ध्यान रखिएगा आपकी कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आना चाहिए वो इस तरह से सही आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, अभी भी हमारे आंकड़े कैसे थे बच्चों, अवर्गीकृत थे, सिंपल लाइन में लिखे हुए हैं, अब हम अध्ययन करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के, ठीक है। अब हमारे लिए सामने एक उदाहरण दे रखा है, इस उदाहरण में जो हमारे आंकड़े हैं वो वर्गों में बढ़ गए, क्या है देखो, प्राप्तांक 20 प्राप्तांक करने वाले 6 लोग, 29 प्राप्तांक करने वाले 28 लोग, ऐसे करके पूरा बढ़ गया। तो ऐसे स्थिति में हम इन आंकड़ों को लाइन से तो नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे आंकड़े यहां आ जाएं और बहुत कम यहां आ रखें, तो सेंटर बताना मुश्किल होता है। तो इन आंकड़ों को सॉल्व करने के लिए यानी माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस जो टेबल दी है इसको खड़े रूप में लिखना है, और खड़े रूप में लिखने के बाद आप देख रहे हैं क्या करना है वो हम बताते हैं आपको। पहले हम खड़े रूप में लिख लेते हैं इसको, वही क्वेश्चन को हमने खड़े रूप में लिख लिया, यहां पे हमने प्राप्तांक दे दिया और यहां पे उनकी क्या दे दी, बारंबारता। बारंबारता का मतलब है 20 अंक प्राप्त करने वाले 6 बार बच्चे, जब हम चेक करने लगे तो 6 लोगों का निकला। ऐसे ही ये जो है 25 वाले 20, ये सभी टेबल उन्होंने एक्सपेंड करी है। अब सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बच्चों जो आंकड़ा हमारे को दिया हुआ है, तो आपने देखा था कि जो 20 प्राप्तांक वाले हैं 6 लोग हैं, और 25 वाले जो लोग थे वो कितने थे, 20। तो अब आप देखिए कि 20 वाले तो केवल 6 हैं, लेकिन हमने देखा था 25 वाले कितने थे, 20 थे, तो 20 से लेके 25 तक कितने हो गए, 26। क्यों, क्योंकि 6 वाले और 20 ये वाले जोड़ लिए, 26 हो गए, ठीक हो गया। अच्छा अब हम बात करें कि 28 तक वाले, तो इस 20 में 24 और जोड़ गया,
और सब 26 में ये 24 और जुड़ गया तो कितने हो गए 50। यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो हैं तो ये कितने वास्तव में 24, लेकिन जब हम इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो कितने हो रहे 50। अब ये वास्तव में है कितने 28, ये वास्तव में कितने 15, 4, 2, 1। लेकिन जब हम ऐसे जोड़ रहे हैं तो इन सबको जोड़ते हुए चलेंगे, तो यहां तक 50 हो गए। अब हम यहां तक आ जाए 29 तक, तो 50 में 28 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78। अब हम यहां पर 33 तक कितने हैं, 33 तक में कितने हैं 15 और जोड़ेंगे, यानी इस आखिरी जोड़ में अगली वाली संख्या को हम इस तरह जोड़ते चले जाते हैं। तो ये जोड़, इसकी पहचान ये भी कि ये जो जोड़ है वो 100, पहले इन सब का भी वही जोड़ आना चाहिए। आप पीछे क्वेश्चन में देख सकते हैं उनका भी क्या आना चाहिए 100। तो ये जो हमने बनाया इसको एक नया नाम दे दिया संचयी, संचयी माने क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो संचयी का मतलब क्या है इकट्ठा होते जाना, बारंबारता सारी इकट्ठी होते जाना, संचयी होते जाना। तो माध्यक निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। तो जब भी माध्यक का सवाल आएगा जिसमें वर्गीकृत आंकड़े दिए हों तो आप तुरंत क्या करेंगे, इनकी जो बारंबारता है वो बारंबारता सबको जोड़ते चलेंगे, पहले ही जोड़ा फिर ये जोड़ा जोड़ा जोड़ते चले गए और जिस जोड़ते जोड़ते जो आंसर आया वो हम यहाँ पर लिखते चले गए और हमारा आंसर ये 100 आ गया। ये केवल है बात संचयी बारंबारता की, माध्यक में संचयी बारंबारता आपको निकालनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं, देखो इसमें पद कितने हैं, पद पूरे कितने हैं 100 पद हैं। तो अगर 100 पद हैं तो 100 पदों के लिए सूत्र क्या है, 100 पदों के लिए सूत्र आएगा क्योंकि ये सम संख्या है, तो 100 पदों के लिए सूत्र आएगा n/2 वे प्लस n/2+1 वे पद का मान का जोड़ और बटे 2। तो अगर हम 100 है तो 100 बराबर n बराबर कितना है 100, तो n/2 100 बटे 2 यानी 50 वे प्लस, इधर n/2 करेंगे 50+1 यानी 51 वे पद का मान बटे 2। ठीक हो गया, तो 50 वे पद का मान और 51 वे पद का मान बटे 2। इसको पुस्तक में देख लेते हैं किस तरह समझाया गया है, देखिए इसके लिए हम जो है दोनों चित्रों का प्रयोग करें, जो हमारी सारणी है उस सारणी के अनुसार देखिए 50वां प्रेक्षण कितना है 28 है और 51वां कितना है 29। अभी इसको बताते हैं चार्ट के हिसाब से, ये 28 कहां से आया और 29 कहां से आया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले 50वें और 51वें को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो आंसर हमारा आता है कितना 28.5, कितना था 28.5। अब ये 28 कहां से लिया हुआ ये बताते हैं बच्चों आपको, जो हमारी ये संचयी बारंबारता आती है, जो हमारी वो संचयी बारंबारता आती है वो कहां आ रही है, देखो 50वीं कहां आ रही है आपकी 28 पर आ रही है, ठीक है। उसके बाद 51वीं कहां आ रही है 29 पे आएगी, ठीक हो गया। तो इसीलिए वहां पर जो प्राप्तांक लिए गए वो कितने लिए गए हैं 28+29 को जोड़ेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया, क्लियर है आपको। चलो ये जो हमारा 28.5 आया है तो उसको बोल रहा है कि संचयी बारंबारता सारणी के नाम से जाना जाता है, माध्यक अंक 28.5 सूचित कर, जो आपका माध्यक अंक आया वो सूचित करता है कि लगभग 50% विद्यार्थियों ने इससे कम और 50% विद्यार्थियों ने इससे ज्यादा के अंक प्राप्त किए। और माध्यक का मतलब होता है मिड पॉइंट, तो आप जब मिड पॉइंट 100 का कितना होगा 50 होगा, तो कुछ ऊपर चले गए और कुछ नीचे चले गए, ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, अगला उदाहरण आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये प्राप्तांक दिए हैं वर्ग अंतराल में, पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो वर्गीकृत आंकड़े थे लेकिन वर्ग अंतराल में नहीं थे। तो इसको देखने के लिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दी है, अगर हम इनकी संचयी बारंबारता निकाले तो सबसे पहला वाला तो 5 ही रहेगा, दूसरे वाले में ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 8, फिर ये ऐड हो जाएगा 12, 15, इस तरह चलता जाएगा 22 और 29 और 38 और 8 53।
तो अब ये कितने बच्चों का डेटा है बच्चों, ये 53 है, इसमें ये ग्रुपिंग कर रखी है। अब इस ग्रुप के हिसाब से अगर हम बताना चाहें, हम कहना चाहें कि 20 तक अंक प्राप्त करने वाले हो तो यहां से यहां तक पहुंच जाइए, कितना है संचयी बारहवां, 8 है। अगर आपसे पूछें कि 70 तक प्राप्त करने वाले अंक, तो आप ये आंसर नहीं देंगे, इसके सामने वाली जो संचयी बारहवां था वो आपका आंसर होगी, यानी 29। और अगर आप 80 से 90 पूछेंगे तो उसमें उत्तर आएगा आपका 45। ठीक हो गया। तो ये जो हमारा सिस्टम था संचयी बारंबारता को समझाने का था। अब और उदाहरण आगे चलते हैं हम लोग। वही सारणी अब दूसरी तरह से प्रदर्शित की गई है। क्या बोला हुआ देखिए, 0 से अधिक। अब आपको पता है 0 से अधिक वाले तो सारे हो जाएंगे ना, तो सारे कितने बच्चे थे, 53 थे। ठीक है। अब वहां पे जो ये था हमारा जो 0 से 10 वाला ग्रुप था, फिर क्या है, 0 से 10 वाला ग्रुप था और 10 से 20 वाला ग्रुप था, 20 से 30 वाला ग्रुप था ना। तो अब आप देखेंगे जब आप अगले स्टेप में आएंगे तो यहां बोला हुआ 10 से अधिक। 10 से अधिक का मतलब है जितने 10 तक थे उसको छोड़ के, तो पूरे लोग कितने हैं, 53। तो 53 में 5 लोग ऐसे थे जो 10 तक थे, तो वो हटा देंगे तो कितने तक बचेगा बच्चों, यानी 48 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 10 से ज्यादा अंक प्राप्त किए। ऐसे ही आप सारी नंबरों को लाइन से आप क्या करेंगे, घटाना शुरू करेंगे। जैसे वहां जोड़ रहे थे वैसे ही वहां आप घटाएंगे, तो आपकी इंफॉर्मेशन उल्टी हो जाएगी। जैसे पहले हम कह रहे थे 10 तक, अब बोले 10 से ज्यादा, तो 10 तक में जितने थे 10 से ज्यादा में 53 में से घटा लेंगे तो उतने आ जाएंगे। तो आप ये सारी संख्या घटाएंगे तो ये जो सारी जो यहां नंबर आ रहे हैं, ये नंबर वो आ रहे हैं उससे अधिक या उसके बराबर वाले प्राप्तांक आ रहे हैं। ये माध्यक को दो तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। जैसे आपने इतने लाइन से रख दिया जैसे से, तो कुछ इससे ऊपर कुछ इससे नीचे। ठीक है। तो संचयी बारंबारता पूरी रेंज आती है, इतने लोग हैं इतना पूरा ले लिया या इतना ले लिया, इस तरह से आपकी सारणी समझ में आ गई। इस प्रकार की सारणी ये कहते हैं उपरोक्त सारणी या बंटन अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे अधिक प्रकार है, अधिक वाले ले रखे हैं और उससे पिछले वाले में क्या थी, कम प्रकार की। तो ये बंटन जो सारणी है संचयी बारंबारता की दो तरह की होती है, कम प्रकार की और अधिक प्रकार की। अगर यहाँ पे जो आंकड़े हैं आपसे उतने से अधिक अधिक करके लिखा हुआ है तो ये अधिक प्रकार की है, अदरवाइज जो होगी वो होगी। अच्छा, दूसरा ये क्या है, 0, 10, 20, 90, ये क्या है, वर्ग अंतरालों की निम्न सीमा। अब वर्ग अंतराल निम्न सीमा, तो पहले वाले में आपने देखा 0 से 10 था तो निम्न सीमा क्या थी, 0, तो 0 से अधिक हो जाएगा। दूसरे वाले में 10 से 20 था तो 10 से अधिक हो जाएगा, इस तरह ये समझाने का। ठीक है बच्चों, इस सारणी में विद्यार्थियों की संख्या और यहाँ साफ साफ संचयी बारंबारता लिख के समझा रखा है। करा वही है, वही उदाहरण वही है, पहले में 5 ही है, दूसरे में 3 ऐड हो गए, फिर 4 ऐड हो गए, ऐसे करके ये 53 बच्चों का पीछे भी उदाहरण देख चुके बच्चों। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना अब हम सीख रहे हैं। देखिए इसमें क्या नियम बता रखा, सबसे पहले बोलते हैं सबसे मध्य के प्रेक्षण को हम केवल संचयी बारंबारताएं देखकर ज्ञात नहीं कर सकते, यानी जो हमारी संचयी बारंबारता है वो मध्य में जो हमारी उससे नहीं पता लग सकता। अब क्या है, क्योंकि सबसे मध्य का प्रेक्षण किसी अंतराल में होगा, अंतराल का मतलब 10 से 20, 20 से 30 कहीं पर होगा। अब वो 10 से 20 के बीच में बहुत सारे हैं तो कौन सा होगा, 10 के बीच में बहुत सारे तो कौन सा होगा, फिर उस वर्ग अंतराल में खोया जाएगा जो आंकड़ों को दो बराबर भागों में विभक्त करता है, परंतु यह वर्ग अंतराल कौन सा है। अब वर्ग अंतराल वो कौन सा है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एन है यानी पूरी बारंबारताओं का योग है, उसको क्या करेंगे, अब 2 से डिवाइड करेंगे। देखो जिसकी संचयी बारंबारता एन बटे 2 से अधिक है, अब एन हमारे इस क्वेश्चन में कितना था, 53 बटे 2, 53 बटे 2 करते हैं तो बच्चों कितना आता है, 26.5 आया। अब 26.5 कहां बोलते हैं, 60 से 70 ही वह वर्ग है जिसमें वो संचयी बारंबारता कौन सी आ रही है, 26.5 आती है। अब वो बोलता है उस वर्ग को हम माध्यक वर्ग कहते हैं। ये जितनी बातें मैंने बताई, जैसे माध्यक वर्ग बोला 60 से 70, तो इसको हम जब तक क्वेश्चन नहीं देखेंगे नहीं समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो
जब हमने 53 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आया बच्चों, 2 × 4 2 × 6 = 12 ये आया। अब ये जो 26.5 है आप देखो 26.5 यहां पर आएगा, क्यों, ये वैल्यू कितनी दी हुई है 29 दी हुई है बच्चों, तो 29 से ऊपर वाले लोग यानी ये 26.5 यहां कहीं आएगा। और अगर हम इसको यहां देखें तो 29 वाला ये देखें तो ये कहां आ रहा बच्चों, देखो 60 से 70 वाले में आ रहा, कहां से आ रहा 60 से 70 वाले में। इसका मतलब ये हुआ कि जो माध्यक वर्ग है हमारा वो 60 से 70 वाला होगा, ये हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा, ठीक है। और संचयी बारंबारता कौन सी है, जहां पर ये है 29 है। अब आगे देखते हैं क्या करना है, इस क्वेश्चन को माध्यिका को सॉल्व करने के लिए एक माध्यक का सूत्र प्रयोग करते हैं। बच्चों माध्यक का जो सूत्र है वो सूत्र है माध्यक बराबर L प्लस N by 2 माइनस CF बटे F, ये ब्रैकेट में बंद है, गुणा H। ये हमारे माध्यक का सूत्र है जिसमें L क्या है, देखिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जब आपने बहुलक के क्वेश्चन करे थे तो उसमें भी L का मतलब क्या था, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा थी, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्या है, N क्या है, प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षण आपको पता है कितने हैं इसमें 53 है। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला, तो ये जो CF वाला है वो पहले वाला है और जो F है वो बिल्कुल माध्यक वर्ग की बारंबारता ली जाएगी, ठीक है। अभी और बताते हैं, H में बोलता है वर्ग माप, वर्ग माप का मतलब है वर्ग का अंतराल कितना है, तो H से यहां पर हम गुणा करेंगे, तो इसमें क्या हुआ बच्चों, देखो CF जो है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग हमने अभी देखा था कितना था 60 से 70। चलो देखते हैं जरा दोबारा से एक बार, ये देखिए माध्यक वर्ग क्या है, इसमें 60 से 70 है, तो इस माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता यहां पे 22 लिखी हुई है इसको हम लेंगे सी एफ, क्या लेंगे बच्चों इसमें सी एफ लेंगे, ठीक है, इस वाले को। और ठीक ये वाली बारंबारता को हम क्या लेंगे बच्चों, एफ लेंगे, इसको क्या लेंगे एल लेंगे, ठीक है। और एन का मान कितना है 53, जो सारा जोड़ आ गया, तो जब सारी चीजें आ गई तो इसको हल करके देख लें, एल का मान बच्चों कितना है 60 है प्लस N by 2 यानी N का मतलब 53, 53 by 2 कितना हो जाएगा 26.5 माइनस CF, CF कितनी हमारी 22 है, 22 बटे F कितना है हमारा 7 है, 7 और गुणा हमारा ये अंतराल कितने का है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 10 का अंतराल है, 10 हमारा ये आ गया। अगर हम इसको हल करेंगे तो हल करने में हम ये पाते हैं कि पहला तो हो गया 60 प्लस 26.5 में से 22 जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4.5 इंटू 10 बटे 7, तो 60 प्लस 45 बटे 7 हो जाएगा, 45 बटे 7 यानी बराबर 60 प्लस 7 से भाग देंगे 7×6 = 42 3 बचेगा 30 7×28 2 बचेगा 20 तो 7×2 = 14 या 1 का ऐसे कुछ कर लिया, तो कितना है बच्चों देखो 66.42 हमारा जो आ गया क्या आ गया माध्यक आ गया, 66.42 हमारा क्या आ गया बच्चों माध्यक आ गया। अब देखिए इसमें जो है सॉल्व कर रखा उस सूत्र में सारे मान यहां रख के जो भी हमने गणना करके आपको बताया ये पूरा जो है हल करने पर कितना है 66.4 आया, तो उत्तर बोला जाएगा लगभग आधे विद्यार्थियों ने 66.4 से कम अंक प्राप्त किए और बाकियों ने इससे ज्यादा, माध्यक का मतलब मध्य बिंदु, कहां पर कहां से लोग आधे इधर और आधे इधर हो रहे,
ठीक है। और यही चीज जो 66.4 है, इसके बारे में एक बात और बता दूं, जब भी आपका आंसर आएगा तो ये आंसर जो है हमेशा इस माध्यक वर्ग के बीच में ही कहीं आना चाहिए। तो माध्यक वर्ग हमारा कितना है, 60 से 70 है, तो 60 से 70 के हिसाब से कितना आ जाएगा, वो जो हमारा उत्तर निकल के आया वो 66.42 आया। ठीक है, तो 66.4 हमने उसको ले लिया। ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों देखो, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके उसमें आ जाए जिसमें यहां पे वर्ग अंतराल ना देकर के और ये उल्टा क्रम यानी 140 से कम, 145 से कम, यानी इस तरह अगर दिया हो और यहां पे क्या दिया है, लड़कियों की संख्या, यानी ये जो है जब भी से कम या से ज्यादा, तो इसका मतलब आपको जो दिया हुआ वो संचयी बारंबारता दी है, आपको संचयी बारंबारता निकालनी नहीं है, लेकिन आपको इससे बारंबारता बनानी आनी चाहिए। कैसे, देखिए आप ये देखिए कि 46 और 51 160 से कम इतने थे और 165 से कम इतने हैं, तो यानी ये जो अंतर है ये अंतर इन दोनों के बीच का, इसका मतलब ये हुआ कि 160 से लेके 165 तक जो लोग हैं वो इनका अंतर, यानी अब माइनस होगा, तो 51 में से 46 है बच्चों कितना आ गया, 5। उससे अगला बनेगा आपका 155 से लेके 160 तक, तो इसमें देखो 40 और 46 में कितने का फर्क है बच्चों, 6 का फर्क है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा अब ऐसे ही आपने देखा कि 40 से 29 के बीच में कितना फर्क है बच्चों, 11 का फर्क है, 29 से 11 में कितने का है, 18 का, 11 से 4 में कितने का है, 7 का। ठीक है बच्चों, अब ये जो आप जब जोड़ करेंगे तो ये जोड़ और ये 51 बराबर आना चाहिए, तो अगर हम जोड़ते हैं 6, 5, 11 और 1, 12 और 8, 20 और 27, तो ये 4 याला आ गया, 27, 4, 31, 3 और 2, 5 हो गया बच्चों। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी से कम या से ज्यादा वाला आएगा तो इसमें जो है इनके बीच बीच के जो डिफरेंस है, उनके बीच बीच के डिफरेंस आप डिफरेंस करते चले जाइए, तो यहां पे आपकी क्या बन जाएगी, ये बारंबारता बन जाएगी। ठीक है, क्लियर। चलो और आगे देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे थे तो ऐसा दिया था, तो हमने पहले इसको वर्ग अंतराल में बदल लिया। ठीक है, अब वर्ग अंतराल में बदल के आगे देखते हैं क्या करना है इसमें। जब आपने वर्ग अंतराल निकाल लिए और बारंबारता निकाली, अब आपके लिए फिर वही सवाल आ गया, इसका माध्यक निकालिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता फॉर्मूला, आपको पता हुआ बिल्कुल, फॉर्मूला आपका क्या बच्चों, फॉर्मूला है आपका एल प्लस, मेरे साथ डिवाइड करिए, एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच, यही है ना। तो हमारा जो वर्ग अंतराल आएगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये टोटल कितना है, 51, तो हम लोग क्या करते हैं 51 को क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 25.5। अब आपको ये देखना है 25.5 कहां पे आएगा, ये 29 वाली रेंज में आता है, यानी 29 या उससे पहले कहीं यहां पर आता है, तो इसका मतलब हमारा जो ये जो रेंज आई हमारी उसकी, वो ये वाली आई है, ये वाली आई है, और ये वाली रेंज क्या होगी, अभी जब हम यहां पूरा कर रहे थे 150 से कम है तो 145 से लेके 150 तक होगी। ठीक है, तो अब अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो L इस बार हो जाएगा 145 प्लस n बाई टू, n बाई टू हमारा कितना आ रहा है 25.5 माइनस सी एफ, यहां समझ लो बच्चों, जो हमारा ये आता है ये नहीं है, उससे ऊपर वाला लिया था CF, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 11 अपॉन, लेकिन हमारी जो बारंबारता होती है वो ये ली जाएगी, तो कितना हो जाएगा 18 गुणा, देखिए अंतर कितने का है, 5 का अंतर है, तो गुणा 5 हो जाएगा, तो अब आप इसको करेंगे 145 प्लस, इसमें से आप जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 14.5 इंटू 5 अपॉन 18, तो 18 से अगर कटेगा तो देख लेंगे, तो काट लेते हैं चलो 145 प्लस, तो बच्चों इसको काट लेते हैं तो 18 8 144, यानी कि आ गया आपका 0.8 आ गया, फिर बचेगा 0, एक बचेगा 10, 100 हो गया, 18 5 90 गुणा हो गया आपका 5,
तो ये आ जाएगा 145 प्लस 5 से गुणा कर लीजिए, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, ये हो गया इज इक्वल टू 149.025। ठीक है, तो हमारा एक तरह से 149.025 हो गया। ये बुक में सॉल्व किया हुआ वही सारी बातें देखो निकल के आई, माध्यक वर्ग हमारा ये आया, तो हमने L की जगह कितना ले लिया 145, और ये हमारा N by 2 25.5 11 सब वही कुछ है, तो हमारा देखिए कितना आ गया 149.03। ये हमारा इस क्वेश्चन का माध्यक आ गया। ये हमने ऐसा उदाहरण किया जिसमें कम वाला आंकड़ा था, यानी संचयी बारंबारता का आंकड़ा था, उससे हमने बारंबारता बनाई तब वो किया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले उदाहरण की ओर।